हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब? तो जैसे ही आपको पता है कि होली का त्योहार आने वाला है, तो इस त्योहार में आज मैं आपके लिए भाकर बड़ी का एक डिफरेंट वर्जन लेकर आई हूँ, जो कि ये सैंडविच भाकर बड़ी, जो कि इतनी क्रिस्प बनती है और इतनी बढ़िया लगती है ना खाने में, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने काफी नई नई चीजें इसमें बताई है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 कप और आधा कप और मैदा ले लेंगे। उसके बाद इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 बड़ी चम्मच अजवाइन को अपनी हथेलियों में इस तरीके से मसल के और फिर डालेंगे। इससे क्या होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और फिर उसके बाद इसमें आधा कप यहाँ पे देसी घी डाल देंगे। अब इन सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें पानी डालिए और इसका एक आटा गूंथ लीजिए। तो मुझे करीब इतने मैदे के लिए आधा कप पानी की जरूरत पड़ी अपना आटा गूंथने के लिए। उसके बाद इसे ढक के करीब 10 से 15 मिनट तक ले रख लीजिए। इसकी स्टफिंग बनाने के लिए 1 कप बेसन लीजिए, 1 छोटी चम्मच इसमें तिल डालिए, 1 छोटी चम्मच इसमें धनिया का पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच हींग, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक अपने स्वाद अनुसार, और 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक और मिर्च का हम पेस्ट डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आम के अचार का जो मसाला होता है उसका 1 से 2 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ मसाला डाल दिया है। फिर इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच तेल डाला, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाला और इसे भी अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। फिर इसमें मैंने थोड़े से पानी के छींटे डाल के और फिर से इसे मिक्स कर दिया। ये मैंने इसलिए करा है जिससे कि जो हमारा मिक्सर है ना वो थोड़ा सा ना ड्राई ज्यादा है, तो उसमें थोड़ा मॉइस्चर देने के लिए मैंने इसलिए थोड़ा पानी के छींटे डाले। उसके बाद जो हमारा डो था वो 10 से 15 मिनट तक लिए अच्छे से रेस्ट कर लिया, तो उसका मैंने थोड़ा सा एक पोर्शन लिया और फिर उसको इस तरीके से रोल कर लिया। उसके बाद मैंने एक काटा लिया और उसकी मदद से मैंने इसमें छेद कर दिया है। फिर इसके ऊपर मैंने हरी चटनी लगाई है जो कि पुदीना और धनिया की चटनी है। फिर उसके बाद इसको पूरे में अच्छी तरीके से मैंने स्प्रेड कर दिया। फिर उसके ऊपर मैंने थोड़े से तिल के दाने डाले, सफेद और काले तिल दोनों मिक्स करके डाले। फिर जो हमने बेसन का जो मिक्सचर बनाया था, जो स्टफिंग बनाई थी, उसको अच्छी तरीके से फैला दिया। और इसी तरीके से मैंने एक और रोल कर लिया था अपना डो जो हमने मैदे का बनाया था, और फिर उसको इसके ऊपर रख के अच्छी तरीके से दबा दिया और इसको भी मैंने बेलन की मदद से थोड़ा सा मैंने बेल लिया। अब इसके जो पीसेस मैंने कट करे वो चौकोर शेप में करे। आप चाहे तो इसको कुकी कटर से गोल गोल भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप उस तरीके से इसको कट कर सकते हैं। फिर एक एक करके इसको धीमे धीमे करके निकालिए और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिजाइन, और जिससे कि हमारा ये खुले ना हम तेल में जाने के बाद, इसलिए मैंने इस तरीके से कांटे से इसमें चारों तरफ से मैंने दबा दिया है। फिर उसके बाद मैंने तेल गरम कर लिया था, उसमें अपनी ये भाकर बड़ी डाली है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से मैंने फ्राई कर लिया और फिर मैंने प्लेट में इसे सर्व करा और मस्त चाय के साथ मैंने इंजॉय करा। अगर आपको इसे स्टोर करना है तो एक एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर करिएगा, पर इसे जितनी जल्दी हो सके इसे कंज्यूम कर लीजिए, वरना ये सीज जाएंगे और फिर खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये आज आपने एक नई रेसिपी देखी जो कि भाकर बड़ी का एक नया रूप था। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलेगा। और इस होली इस नई भाकर बड़ी जो कि सैंडविच भाकर बड़ी को जरूर ट्राई करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।